फ्रेंड्स, ये है स्कॉर्पियो N Z4 वेरियंट और इसके अंदर मैंने तकरीबन 1,35,000 की एसेसरीज लगवाई हैं। सो लेट्स सी कि इसमें इतने प्राइस में आप क्या क्या फीचर्स ऐड कर सकते हो। फर्स्ट इज DRL अलोंग विद फोग लैंप दैट कॉस्ट अराउंड 15,000। अलॉय व्हील्स जो कि अपने मैनुअल टॉप एंड वेरियंट में आते हैं दैट कॉस्ट 46,000, जो कि किसी गाड़ी से निकले हुए हैं जिन्होंने अपग्रेड किया था, अदरवाइज दिस विल कॉस्ट अराउंड 60,000। ओरिजिनल ग्रैब हैंडल्स, ओरिजिनल डोर ओपनिंग हैंडल्स, ये ग्लोसी पेंट हुआ है, देन सॉफ्टस, ये बहुत नेसेसरी है बिकॉज जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो तो इट विल एड लॉट ऑफ कम्फर्ट इन योर जर्नी। सिमिलरली इन द मिडल आर्म रेस्ट एज वेल, ये भी बहुत नेसेसरी एक ऐड ऑन है जो कि मैं सजेस्ट करूँगा सभी को कि आप ज़रूर करवाएं अगर आपका Z6 या Z4 वेरिएंट है या Z2 वेरिएंट है। एंड अगेन दीज आर द लेदराइट सीट्स, तो सीट कवर जो है बिल्कुल टू कॉपी है जो कि टॉप एंड वेरिएंट में आते हैं, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं। बट लाइक इन समर्स समटाइम अगर आपकी गाड़ी धूप में खड़ी है तो थोड़ा सा ये हीटअप होते हैं, बट अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एसी जो है गाड़ी का बहुत अच्छा है, बहुत चिलिंग है। एंड द स्टेयरिंग कवर, दिस इज़ द सिमिलर दैट वी हैव इन टॉप एंड वेरिएंट, फोर कट स्टिचिंग एंड द सिमिलर टाइप ऑफ थ्रेड वर्क बट इन डिफरेंट कलर, इट्स नॉट इन ब्लैक। और सेंटर कंसोल जो है वो ग्लोसी करवाया गया है, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। एंड दिस आर द मेमोरी फॉर्म कुशंस टू एड सम कम्फर्ट इन योर जर्नी। फ्लोर मैट्स दैट विल कॉस्ट अराउंड 2,500। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने इसमें डबल लेयर डैम्पिंग करवाई है जो कि बहुत ही नेसेसरी है बिकॉज टॉप एंड वेरिएंट में एंड आई थिंक Z8 में एज वेल वहाँ पे कुछ डैम्पिंग मटेरियल होता है, बट उससे नीचे वाले वेरिएंट्स में डैम्पिंग मटेरियल नहीं आता है। दैट्स वाई जो रोड नॉइस है, क्योंकि इंजन नॉइस तो कम है इस गाड़ी में, इंजन की नॉइस बहुत ही कम है, बट रोड नॉइस और साइड से जो व्हीकल जाते हैं उनकी नॉइस काफ़ी आती है, तो वो इसके अंदर डैम्पिंग करवाने के बाद नहीं आती है और एक काफ़ी कम्फर्टेबल जर्नी हो जाती है। आपको जो एक रोड नॉइस से हरासनेस होती है या मेंटल स्ट्रेस एक बढ़ती है जब आप ट्रैफिक में होते हो, वो नहीं होती, फील लाइक यू आर एट होम, सो काफ़ी अच्छी जर्नी रहते हैं। और इसके अंदर कार्डी K4 की मैंने एम्बिएंट लाइट भी लगवाई जो कि अभी ऑन नहीं है, मैं इसकी सेपरेट से वीडियो डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हो। सो ये सब मैंने इसमें करवाया, तो इट विल कॉस्ट मी अराउंड 1,30,000 और लिटिल बिट अबव दिस। एंड इससे अलग मैंने कैमरा भी नहीं लगवाया क्योंकि आफ्टर मार्केट कैमरे में मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं था, कहीं वायरों को वो छेड़छाड़ के कहीं ख़राब ना कर दें गाड़ी को, सो आई एम वेटिंग कि ऑथराइज पे अगर वो मिलता है तो दैट्स बेटर। एंड वन मोर थिंग, फुट रेस्ट जो है ब्लैक पेंटेड है, ये पाउडर कोटेड है। एंड ऑल्सो ये इलीगल है बट इन सिटी लाइक गुड़गांव इट इज़ नेसेसरी बिकॉज जो ऑटो चलते हैं या बाइक होती हैं उनसे रियर बम्पर पे स्क्रैचेज आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और ये डोर वाइजर्स दैट इज़ ऑल्सो नीडेड इन रेनी सीजन, सो दीज आर ऑल फीचर्स। इफ यू नीड एनी अदर डिटेल अबाउट द थिंग्स दैट आई हैव एडेड इन माई कार देन प्लीज़ कमेंट, आई विल शेयर अनदर वीडियो।